माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश की प्रगति उसकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, और यही उसकी ताकत भी है। इस प्रकार की डाइवर्सिटी और किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहां विकास, प्रयास और विश्वास की जो बात होती है, ये तभी संभव है जब सबके साथ समान व्यवहार, न्याय, प्रेम, सद्भाव और भारतीय संविधान के आर्टिकल 38(2) मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड आर्टिकल 39(c) ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। सर, इस बजट में और पिछले 10 साल के बजट में इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का उल्लंघन हुआ है। इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है, और कुछ चंद लोगों के पास, इस देश के 1% लोगों के पास 40% वेल्थ पहुंच गई है, और 1% के पास 22% आमदनी पहुंच गई है। तो ये बेसिकली इनके 10 साल के कार्यकाल का ये मूल आधार है। सर, एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब यही है कि हम लोग का जो संसाधन है, जो बजट है, उसका उपयोग कहां, कैसे किया जाए। यदि आप समझेंगे, हमारे परिवार में यदि 100 रुपए आते हैं, तो सबसे पहला हक होता है जो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, जो सबसे कमजोर बच्चा होता है। इस देश में सबसे कमजोर वर्ग अगर है, तो वो वर्ग है जिसके पास कोई एसेट नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई आमदनी का जरिया नहीं है। उन लोगों का पहला हक बजट पे होना चाहिए। क्या इस बजट में दिया गया है, मैं अपने भाषण में अब आपको उल्लेख करूंगा। सर, यदि आप देखेंगे तो लगभग 25-30% लोग आज भी इस देश में हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, और आज भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग 111वें पायदान पर हैं 125 राज्यों में। सर, प्राथमिकता क्या होना चाहिए? प्राथमिकता संसाधनों की सबसे पहली है कि अमीर गरीब की खाई कमी होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होना चाहिए, और गरीबों का हक पूरा उसको मिलना चाहिए। ये आपका 11वां बजट है। यदि इसकी प्राथमिकता अगर देखें तो उसमें कहीं नजर नहीं आती है। सर, राहुल जी ने सही कहा था 2015 में, कुछ भी कहिए, उनकी फार साइटेडनेस का तो हम लोग आप देख रहे हैं, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे चाइना का मसला हो, चाहे सूट बूट की सरकार। उन्होंने कहा था ये सूट बूट की सरकार है, और पिछले 11 साल के बजट में ये पूरी सरकार केवल सूट बूट की सरकार है, और अब तो कॉरपोरेशन में भी विभाजन सा लगता है। कुछ अतीर हमें अमीर कॉरपोरेट है, और एक मिडिल क्लास है, और एक लोअर मिडिल क्लास। कॉरपोरेट सेक्टर में भी विभाजन हमको करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से हम लोग मिडिल क्लास में करते हैं। यदि आप देखेंगे सर कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि लगभग 24 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर चले आए, लेकिन उसी में आर्ग्यूमेंट ये दिया है कि उसका जो इंडिकेटर है वो हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, यानी कि व्यक्ति के परिवार के घर के हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए वो सब अब गरीबी के मल्टीपल इंडेक्स से ऊपर चले गए हैं। ये तो बात उल्टी है। बात साफ है कि 2023 में अगर आप देखेंगे कि
नेट फाइनेंशियल हाउसहोल्ड सेविंग्स 47 सालों में सबसे कम आज है। निरंतर नेट सेविंग्स घटती जा रही है। ये एक इंडिकेटर है कि गरीबी घट नहीं रही है, गरीबी बढ़ रही है। साथ में जो बजट है उसमें भी, उनके हाउसहोल्ड बजट है उसमें लोन इस सेक्शंस का बढ़ता जा रहा है। तो कहाँ से गरीब लोगों की संख्या कम हो गई, ये माननीय मंत्री जी बताएंगे हमको बाद में। साथ में ये भी है कि इनके कार्यकाल में आमदनी लगभग वही है, मजदूरी वही है। जो मजदूरी 10 साल में 1% से भी आगे पीछे नहीं हुई है, चाहे एग्रीकल्चर लेबर हो, नॉन एग्रीकल्चर लेबर हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, इसके लेबर जो हमारे ब्यूरो डाटा है उससे प्रमाणित होता है। सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, मैंने आपको बताया, जो भूमिहीन है, असेटलेस है, जिसका रोज आमदनी करने पर चूल्हा जलता है। यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा का योजना चालू की, लेकिन साथ में मजदूरों के बारे में मनोवृत्ति क्या है सरकार की, आप ऑर्गेनाइज लेबर में देख लीजिए। हर साल ये जिनेवा के कन्वेंशन के अंतर्गत हर साल ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स होना चाहिए, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट की। सन 2015 से लेकर आज तक उसमें भारतीय मजदूर संघ का भी उसमें नाराजी है, एक बार भी इन्होंने लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं की। और 44 लेबर कोड बदल, लेबर लॉज बदल दिए, 4 लेबर कोड ले आए जिसमें किसी भी ट्रेड यूनियन से चर्चा भी नहीं करी। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी नरेगा का जिसका विरोध मोदी जी करते थे, कहा था ये हम लोग मॉन्यूमेंट रखना चाहते हैं जो यूपीए सरकार के गलत काम हुआ उसके हजार पर, लेकिन साहब उसके हिसाब से मैं देखूंगा तो उसमें भी अप्रोप्रिएशन बिल में उसकी भी उसमें देख रहे हैं, उसमें भी अलॉटमेंट कम हुआ है। किसान सम्मान निधि आप दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि उसको दे रहे हैं जिसके पास जमीन है, जो जिसके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन मजदूर है उसको एक पैसा भी आप नहीं दे रहे। आप शेयर क्रॉपर उसको भी आप एक पैसा नहीं दे रहे। सर, और तो बात छोड़ दीजिए, जो NSAP के अंतर्गत जो UPA सरकार के समय ओल्ड एज पेंशन 200 रुपये माहवार होती थी वो भी आज उतनी ही है, एक रुपया आपने नहीं बढ़ाया। इसी के साथ साथ विधवा पेंशन और दिव्यांगों का पेंशन 300 रुपये माहवार हुआ करता था, महंगाई बढ़ने के बावजूद भी माननीय मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर बात यही है, आज मिडिल क्लास भी त्रस्त है, गरीब तो त्रस्त है ही, आज मिडिल क्लास भी त्रस्त हो गया है। इसमें केवल 2.2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, और वो भी अगर आप देखेंगे कि आज जो कॉरपोरेट सेक्टर से टैक्स आता है वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से भी कम हो गया है। आप लोगों ने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा दिया। मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर पैरा 6 के अनुसार 2020 से लेकर 2023 के बीच में कॉरपोरेट सेक्टर को 4 गुना फायदा हुआ है, लेकिन ये 4 गुना फायदा कहां गया, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं लगा, असेट्स कहां गए मैं नहीं कह सकता। मूल बात ये माननीय सभापति महोदय, इन लोगों ने कॉरपोरेट सेक्टर का ऊपर जो वेल्थ टैक्स था वो भी खत्म कर दिया। या यदि आज जो सुपर रिच है, यदि आप देखेंगे कि एक साल में बिलियनर्स जो खरबपति, अरबपति से बड़े खरबपति, उनकी सबसे ज़्यादा संख्या बड़ी है तो मोदी जी के सरकार में बड़ी है। गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। मेरा तो सुझाव ये है कि आप यदि सुपर रिच टैक्स केवल
300 सबसे अमीर परिवारों पर यदि आप उनके वेल्थ टैक्स 2% लगा देंगे तो आपका साल भर का भारत का बजट भी उससे पूरा हो जाएगा। लेकिन आप लगाएंगे नहीं, हम जानते हैं। मैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आज मेरा भतीजे से मेरे कुछ प्रश्न पूछे थे, नहीं मिला। लेकिन बात यह है, मैं आपके साथ अलग से बैठ के चर्चा करूंगा। आज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने का एक बड़ा माध्यम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का स्किल डेवलपमेंट भी है, लेकिन साथ में आपको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पर ध्यान देने की आवश्यकता है। टेक्सटाइल आज वो सेक्टर है जिसको सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इग्नोर किया है। वहाँ के इन्वेस्टमेंट उसका धीरे घटता जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की इकोनॉमी, श्रीलंका की इकोनॉमी आप देखेंगे, टेक्सटाइल पे रेडीमेड गारमेंट से उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया है। मैं इतना भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये बात सही है कि आपने मैडम 3 ड्रग्स पर, कैंसर के ड्रग्स पर आपने कस्टम ड्यूटी कम की है। मेरी तो आपसे प्रार्थना ये है कि आप तीन को छोड़ के जितने भी ड्रग्स हैं, कैंसर ड्रग्स हैं, उनको सबको आपको कस्टम ड्यूटी फ्री करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले GST 18% आपका हेल्थ इंश्योरेंस में था, हमारी मांग है कम से कम उसको तो आप माफ़ कर ही दीजिएगा। मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी आपके कैंसर के रिलेटेड जितनी मशीन्स हैं उनको भी टैक्स माफ़ करिए। एजुकेशन और हेल्थ, इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन दोनों मंत्रालय के आप लोगों ने बजट अलॉटमेंट कम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने टैक्स रिफॉर्म्स की आपने बात की है, जहाँ तक टैक्स रिफॉर्म्स की आपने बात की है, लेकिन देखने में आता है कि सबसे ज़्यादा यदि IBC का जो लाभ हुआ है वो कॉरपोरेट्स को हुआ है। हेयर कट हुआ, उस हेयर कट में लगभग 12 लाख करोड़ का ऋण माफ हुआ है। ये किसके लिए फ़ायदा हुआ? कॉरपोरेट्स के लिए फ़ायदा हुआ। दूसरी साथ बात यह है कि डिडक्शन जो है, मिडिल क्लास का डिडक्शन अभी भी, अब आप लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में महंगाई बढ़ती गई है, इस तरह से चर्चा तो बहुत करनी थी, लेकिन मूल बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के बारे में अभी कुछ दिन पहले US ने ट्रैवल एडवाइजरी भेजी है। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि वहाँ इतना बड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, लेकिन US की ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि वहाँ पर अभी जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी के मैं पूछना चाहता हूँ, आपने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, गृह मंत्री जी जाके कहते हैं हम स्टेट छूट देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। जहाँ एक तरफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ रहा है, वहीं माननीय अध्यक्ष महोदय टैक्स टेररिज्म भी इस देश में बढ़ रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी कि आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और आपका इनकम टैक्स चेयरमैन CBDT, ये आपके अंतर्गत आता है। जिस प्रकार से इसका एक रेट्स का एक राजनीतिक हथियार के तरह उपयोग किया जा रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। बात यह है कि आखिर ये ED डायरेक्टर और CBDT चेयरमैन साहब किसको रिपोर्ट करते हैं? अमित शाह जी को रिपोर्ट करते हैं कि आपको रिपोर्ट करते हैं? मैडम, आज मेरे पास लिस्ट है कितने ऑपोजिशन लीडर्स, फॉर्मर CBDT चेयरमैन मेरे को रिपोर्ट करते हैं। सर, आई नो दैट। नहीं, फॉर्मर CBDT रिपोर्टिंग करेक्टली रिपोर्ट करते हैं। ही मे नॉट बी रिपोर्टिंग करेक्टली देयर, बट ही इज रिपोर्टिंग करेक्टली हियर। सर, यस, गो अहेड। सर, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज आई हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स हु हैव बीन अगेंस्ट हुम ED एंड IT हैज बीन यूज्ड अ पॉलिटिकल वेपन एंड दे वर फोर्स्ड टू जॉइन द BJP। सर, इफ यू I'll be very grateful. I'll be laying this on the table of the house. At the same time, electoral bond pipeline. This has again been used as a weapon by the finance ministry. That list also I've got. Those whose houses were raided, premises were raided, have given huge sums of money in the electoral bond. Sir, I would like to say that the lot of ministers, the leader of opposition, leader of the house, and the BJP MPs have been taking the credit of direct benefit transfer
for themselves. But let me bring it to the notice that direct bed this transfer was initiated during the UPA regime on 1st January 2013. Sir, I would like to say that capital expenditure has gone up. I congratulate the thing. But is it being used correctly? The kind of corruption which has gone into the capital expenditure and the way the new buildings are collapsing, the bridges are collapsing. Sir, I'll take 1 or 2 minutes more, sir. Okay. Sir, the famous case of the tunnel in which about 41 labor were फंस गए थे उसमें भी मैंने आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें ये कॉन्ट्रैक्टर कौन थे उनको ब्लैकलिस्ट आप क्यों नहीं करते हैं मेरे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं यहां जितने भी बड़े निर्माण कार्य हुए हैं जो गिरे हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग तो करिए और ये भी एक मानसिकता दर्शाता माननीय सभापति महोदय कि जिस रैट माइनर के माध्यम से आपने उन मजदूरों को छुड़ाया था उस वकील हसन को उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया ये मानसिकता है आपकी माननीय अध्यक्ष महोदय इसलिए सामाजिक और आर्थिक रूप से जो अशांति फैली हुई है हम उसका विरोध करते हैं धन्यवाद।